काबा बागेश्वर बाबा। वो है कौन? ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वो है कौन? क्या भारत सिर्फ हिंदुओं का है? सरकार चाहती है किसी तरह फेल करना। बीजेपी किसका फोटो लगाती है? बाबा का यात्रा ही फेल हो जाए, इसलिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था, कोई प्रशासनिक व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया। जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब वीरेंद्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं। बिहार में काबा बागेश्वर बाबा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में आगमन के बाद लोगों ने उनका बड़े ही खुले दिल से स्वागत किया और सांसद मनोज तिवारी भी उनसे जुड़ाव के चलते खुद बागेश्वर बाबा की गाड़ी ड्राइव करके उन्हें कार्यक्रम स्थल पर लाए। जिसके बाद क्या कुछ हुआ उनके साथ और कैसा चल रहा है अब बाबा का दरबार, सब कुछ आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ स्वाति तिवारी। अगर आप पहली बार इंडी टाइम्स को देख रहे हैं तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे छूट ना पाए। बिहार की राजधानी पटना से सटे नौबतपुर के तरेतपाली मठ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा 13 मई से चल रही है। बाबा के भव्य दरबार में स्वागत के लिए खुद भाजपा सांसद मनोज तिवारी उनके साथ ही बिहार पहुंचे और खुद बागेश्वर बाबा की गाड़ी ड्राइव करके उन्हें वह कार्यक्रम स्थल पर भी ले गए। उनका कहना है कि वे बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन्होंने खुद बागेश्वर बाबा का स्वागत किया, जिसके बाद अब उन पर जुर्माना लगाने की भी चर्चा जारी है। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हनुमंत कथा चल रही है और जब उनकी कथा थी तो कुछ लोगों ने बिहार से इक्का दुक्का लोगों ने ऐसा घोषणा किया, हम घुसने नहीं देंगे, हमारे नहीं देंगे। तो मैं चूंकि बागेश्वर धाम से मैं भी जुड़ा हुआ हूं और वहां के बागेश्वर बालाजी की कृपा हमारे ऊपर भी बड़ी है, तो हमने बिहार का होने के नाते, चूंकि मेरा भी कर्तव्य है कि बिहार की संस्कृति सभी के स्वागत का है, हम भेदभाव नहीं कर सकते, तो इस नाते मैं गया साथ में और मैं देख रहा हूँ बड़ी वायरल हो रही है पिक्चर, तो सही है, मैं स्वयं गाड़ी चला के गया और मेरा इतना ही निवेदन है कि अपने किसी बयान से बिहार की संस्कृति को कोई चोट न पहुंचाए। हमारा अतिथि देव भव की संस्कृति है, हम सभी का सम्मान करते हैं और बिहार में सबका स्वागत है। वो सभी चीज, वो सभी बातें जो समाज में ऊर्जा देती हैं, लोगों की आस्था को बलवती बनाती हैं, उसका स्वागत होना चाहिए। और बिहार सरकार, उन्होंने सब कुछ परमिशन दिया, उसके तहत अगर उसके बाद भी कोई ऐसी कोशिश करता है तो जितनी संख्या में लोग आए हैं उन्होंने बता दिया है कि इस तरह की दकियानुसी बातों का हम कहीं स्थान नहीं है। तो दोस्तों, वहीं जन सुराज यात्रा पर निकले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बागेश्वर बाबा पर जमकर निशाना साधा। प्रशांत ने बीजेपी और लालू यादव दोनों पर ही तंज कसा और ये तक कहा कि बिहार में डर की वजह से लोग इन दोनों को ही वोट दे रहे हैं। लीजिए, आप खुद ही सुन लीजिए। तो अगर आप कह रहे हैं कि जाति पर ही वोट पड़ा है तब तो मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए। 20% जो मुसलमान है वो तो जाति पर नहीं वोट दे रहा, वो तो भाजपा के डर से लालू जी को वोट दे रहा है। तो ये आपका बहुत सरलीकरण है ये कहना कि हर चीज जाति पर ही हो रहा है। जाति एक महत्वपूर्ण विषय है लेकिन एकमात्र विषय नहीं है। जाति के साथ साथ दूसरे और भी पहलू है। बिहार में वोट चार चीज पर पड़ रहा है, जाति पर, धर्म पर, भाजपा के डर से लालू जी को और लालू के डर से भाजपा को। इन चार विषयों को छोड़कर जिस दिन लोग शिक्षा, रोजगार और फसल के लिए, दाम के लिए वोट करने लगेंगे तो अपने आप बिहार सुधर। इसके बाद प्रशांत किशोर ने भाजपा को भी लपेटे में ले लिया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बीजेपी वालों से जाकर पूछिए बीजेपी किसका फोटो लगाती है, मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे।
अब ये इतनी समझ तो आप लोग को होनी चाहिए। पहले जय श्री राम का फोटो पोस्टर लगा रहे थे, अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे थे, ये उनकी मानसिकता दिखा रहा है कि राम जी पर भरोसा। आपको पूछना चाहिए कि आपका राम जी पर भरोसा कम हो गया। अब आपको तो मंदिर अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसका ना फोटो लगाना चाहिए, राम जी के नाम पर वोट मांगिए, शास्त्री जी का फोटो काहे लगा रहे। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयान दिया। और कौन है धीरेन्द्र शास्त्री, या भारत सिर्फ हिंदुओं का है जैसे तंज कसे? सुनिए अजीत शर्मा को भी। कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? बाबा है, प्रवचन करने आए हैं बिहार। बाबा तो बहुत लोग आते प्रवचन करते, लेकिन उनके बारे में आप लोग बहुत परेशान है, ऐसा कोई खास बात है क्या उनमें? उन्होंने बयान दिया है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। वो है कौन, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए वो है कौन? क्या भारत सिर्फ हिंदुओं का है, यह देश सिर्फ हिंदुओं का है? मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन इस भारत वर्ष को आजाद कराने में, अंग्रेजों को भगाने में सिर्फ मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, क्रिश्चियन ने कुर्बानी दी है, सिख ने कुर्बानी दी है, हिंदुओं ने दी है, सभी लोगों ने कुर्बानी दी है। इसलिए देश किसी हिंदू का नहीं हो सकता, यह देश सबों का है और यह देश सबों का रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने पटना में आयोजित बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की तरफ से जीरो व्यवस्था है। सरकार चाहती है किसी तरह फेल करना, कि बाबा का यात्रा ही फेल हो जाए, इसलिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था, कोई प्रशासनिक व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया गया, कोई अप्रिय घटना घट जाए, यही नीतीश कुमार की सरकार चाहती है। कोई व्यवस्था ही नहीं है सरकार के तरफ से, जीरो व्यवस्था। क्यों सरकार ऐसा कर रही है? यही तो कह रहे हैं, उनको वोट की चिंता है, उनको चिंता है कि हम तुष्टीकरण, उनको तो तुष्टीकरण करना है और तुष्टीकरण के चक्कर में दूसरे समाज को छोड़ना चाहते हैं। हालांकि जो भीड़ पहले और दूसरे दिन 5-7 लाख से भी ऊपर थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि बिहार के गर्म मौसम पर लोगों की आस्था भारी पड़ गई है और बाबा को सुनने के लिए इतनी भीड़ जुटी कि दरबार में सांस लेने की जगह नहीं बची। लेकिन फिर बाबा द्वारा दरबार में ना आने की गुजारिश के बाद और कार्यक्रम को क्षण भर के लिए रद्द करने के बाद भक्तों ने शायद उनकी गुजारिश को सुन लिया। भीड़ आज हो गई है और मीडिया से भी प्रार्थना है कि इस खबर को आप जारी रख दें, ये खबर लोगों तक पहुंचा दें, जो जहां से आ रहे हैं वहीं रुक जाएं, ट्रेनों से आवाना बंद कर दें, आसपास क्षेत्र के लोगों भर को आने दें, क्योंकि बहुत ज्यादा समुदाय हो गया है, सफोकेशन बहुत हो गई है, श्वास लेने में भी बहुत ज्यादा वो है, हमें इतने कूलर पंखा लगे फिर भी श्वास नहीं ठीक से ले पा रही, कल कम आइयो है, कम मात्रा में, नहीं 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 हमारी बात मानो, हमारी आज्ञा मानो, कल कम मात्रा में आना, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ आज हो गई है। और फिर 15 मई को बाबा का दरबार भी लगा और उन्होंने श्रद्धालुओं की पर्चियां भी खोली। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास अर्जी लगाए एक युवक ने बताया कि जो सवाल मेरे मन में था उसे बाबा ने पहले ही बता दिया। उसने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने उसके मन की बात बता दी, आइए आपको सुनाते हैं। और मेरे मन में दो सवाल थे, मैंने बाबा से पूछा, बाबा से पूछने से पहले बाबा ने पर्ची में ले लिया था, मैंने बाबा से पूछा बाबा मेरी जिंदगी में खुशी कब आएंगी और मैं आगे कब बढ़ूंगा, तो बाबा ने पर्ची में लेके बोल दिया कि तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है कुछ दिन रहने वाला है, बाकी सब सही हो जाएगा वो प्रॉब्लम। और मैंने कहा कि किस चीज में, किस क्षेत्र में? कहते मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें आगे तक बढ़ना चाहता हूँ, और वो बात पर्ची में बाबा खुद लिख ली थी। मैंने ये भी पूछा कि आप किसको बोल के आ रहे हैं यहाँ पर, मैंने बोला मैं तो बालाजी को भी नहीं बोल के आया हूँ, मैं तो डायरेक्ट आ रहा हूँ यहाँ पर, मगर आप तो बालाजी के परम भक्त थे, मगर आपने कैसे पकड़ा है मुझे भी नहीं विश्वास हो रहा अभी तक। मैं आस्था लेके जा रहा हूँ, एक विश्वास लेके जा रहा हूँ भगवान के प्रति, मैं यही कहना चाहता हूँ सारे भक्तों से कि भगवान के प्रति आप विश्वास रखे, आपकी अर्जी आज निकल तो जरूर निकलेगी। तो सुना आपने कि कैसे भक्त बाबा के चमत्कारों की बड़ाई कर रहे हैं और भक्तों के लिए आयोजित इतनी भक्ति कथा और अर्चना के बीच ये भी सुनने में आ रहा है कि बागेश्वर बाबा वीआईपीओं के लिए होटल में ही अपना दरबार लगा रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई जहां सांसद सुशील मोदी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पटना के एक निजी होटल में मुलाकात करते हुए दिखे। देखिए तस्वीरें।
वहीं एक चौंका देने वाली भी खबर बिहार तक के हवाले से सामने आ रही है, जिसके मुताबिक बाबा के दरबार में तेजस्वी यादव भी शिरकत कर सकते हैं। जी हां, पटना में बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा में एक तरफ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और तरेत पाली मठ में आम से लेकर खास हर कोई दरबार में हाजिरी लगाने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि सब जानते हैं कि लालू के बड़े लाल तेज प्रताप बाबा के कितने कट्टर विरोधी हैं, लेकिन वहीं लालू के लाल और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बाबा बागेश्वर के दरबार में जा सकते हैं। जी हां, सुनिए आयोजन समिति के लोगों ने इस बारे में क्या कुछ कहा। 16-17 और है तेजस्वी जी ने हमको एश्योरेंस दिया है कि हम देखते हैं और निमंत्रण दिया है। हाँ, निमंत्रण पहले भी ऑफिशियल हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिए थे। अभी सशरीर डिप्टी सीएम से हम मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है बजरंगबली की कृपा होगी तो जरूर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि बाबा बिहार पर इतने फिदा हैं कि उन्होंने अपने अगले कार्यक्रम का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल तरेत वाली मठ में लगे अपने दरबार में ही धीरेन्द्र शास्त्री ने यह ऐलान किया कि वह अपना अगला दरबार 27 सितंबर को गया में लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अब हम जाएंगे गया, फिर आएंगे पटना, और बाबा के इस ऐलान के बाद सभी श्रद्धालु खुशी से गदगद हो गए। तो क्या लगता है आपको, क्या तेजस्वी यादव सच में पहुंचेंगे बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने, और अगर ऐसा हुआ तो क्या तेजू भैया को हजम हो पाएगा ये बर्ताव? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाजत चाहूंगी, नमस्कार।